नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मेरा नाम है चिन्मयी। आइए नजर डालते हैं देश के मुख्य समाचारों पर। युद्ध विराम के बाद हमास के खिलाफ इजरायली कार्रवाई तेज। बीते 24 घंटों में 178 फिलिस्तीनियों की मौत। बता दें, 7 अक्टूबर से चल रहे इजरायल हमास युद्ध में अब तक 16,200 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में ट्रक ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। भीषण हादसे में 5 सवारियों की मौके पर मौत। दुर्घटना को देख कांप उठे लोग। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कल आएंगे विधानसभा चुनाव के परिणाम। बता दें, सुबह सुबह 8 बजे सभी राज्यों में मतगणना गिनती शुरू होगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। आपको बता दें, ईडी ने 4 अक्टूबर को सिंह के घर पर कई घंटे छापेमारी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने पहले ही दिन कमाए 100 करोड़ रुपए। वहां विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर ने पहले दिन भारत में महज 5.5 करोड़ रुपए ही कारोबार किया। हालांकि एनिमल के आगे पहले दिन सैम बहादुर का कलेक्शन भले ही ज्यादा अच्छा नहीं हुआ, लेकिन विकी के अभिनय की चारों ओर जमकर तारीफ हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली समेत अलग अलग राज्यों में हो रही बारिश के चलते गिरा तापमान। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ कई राज्यों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। लद्दाख और बांग्लादेश में आज सुबह महसूस हुए भूकंप के तीव्र झटके। रिएक्टर पर 3.4 मापी गई तीव्रता। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला बैंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें, भारतीय टीम ने 3-1 के बढ़त के साथ पहले ही सीरीज पर कब्जा कर लिया है। मौसम विभाग ने चक्रवर्ती तूफान माइचोंग को लेकर जारी किया अलर्ट। कल बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर बरपाएगा कहर। तमिलनाडु में ईडी के अफसर अंकित तिवारी को 20 लाख घूस लेते किया गिरफ्तार। आपको बता दें, बीते 5 महीनों में केंद्रीय जांच एजेंसी की घूस लेने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों की यह तीसरी गिरफ्तारी है। साउथ सुपरस्टार प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म सलार का हिंदी ट्रेलर हुआ रिलीज। यह फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी को देगी टक्कर। आज की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश लाइव। नमस्कार।